बहुत अच्छी लगी फिल्म. आई एम रियली हैप्पी टू सी दुलकर डूइंग व्हाट ही डिड इन हिंदी ऑल्सो, क्योंकि मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन रह चुकी हूँ. कि मलयालम और तमिल मूवीज़, अगर लोग दुलकर के फ़ैन सच में ना, तो प्लीज़ उनके मलयालम और तमिल फिल्म्स भी देखो. बट गिव हिम लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मोला, एंड आई होप कि वो बहुत जल्दी एक और हिंदी मूवी में बहुत जल्द वापस आ जाए. इरफान खान सर तो मेरे मतलब खान्स में से सबसे फेवरेट इरफान खान ही है, और ये मूवी देख के तो ऐसा लग रहा है कि यू नो बहुत जल्द वो वापस आ जाए, यू नो सही सलामत होके वापस आ जाए, बस यही दुआ मांगती हूँ. स्टोरी इज़ वेरी रिफ्रेशिंग एक्चुअली. अभी जो एक्चुअली गए साल दो साल में बहुत ख़राब फिल्में निकल रही है, तो ये बहुत ही रिफ्रेशिंग है देखने के लिए. एक रोड ट्रिप फिल्म है, और इरफान खान सर और रोड ट्रिप फिल्म्स का तो पता नहीं कुछ अलग ही अपने आप में एक जॉनर बन गई है पीकू और करीब करीब सिंगल के बाद. तो होपफुली यू नो यूथ को बहुत अच्छा लगेगा ये फिल्म. फिर से देखना चाहूँगी, क्योंकि एक्चुअली मैंने थोड़ा बहुत मिस किया था, अब मैं लेट पहुँची थी स्क्रीनिंग के लिए, तो वापस से ज़रूर देखना चाहूँगी. 3.5. पिक्चर कुछ खास नहीं है, ये इरफान खान की एक्टिंग थोड़ी ठीक है, बाकी कुछ जो पहले वाली कारवा थी इसका कंपेरिजन करेंगे तो वो अच्छी थी. क्या कमी लगी आपको फिल्म में? स्टोरी कुछ खास नहीं है, म्यूजिक नहीं है, डायरेक्शन बराबर नहीं. जैसा इरफान खान अभी जा रहे हैं, अभी लाइक ही इज इल, हाँ दिख रहा है इल, दिख रहा है, तो बट आप चाहें फिर भी उसकी एक्टिंग और अच्छी है. अच्छी है. पांच में से कितना स्टार देना चाहेंगे? दो. दो. सो कैसी लगी फिल्म? इज गुड. एक अच्छी हल्की फुल्की कॉमेडी है, रोड ट्रिप है, लोकेशंस अच्छी हैं, पूरे साउथ इंडिया का फील आता है आपको. प्लस इरफान खान है, उनके एक्टिंग, उनके डायलॉग्स, उनके पंचेज, सो या मूवी वॉज गुड. डायरेक्शन वॉज गुड, ऐसी कुछ वीक नहीं लगी कहीं पे भी, बिकॉज रोड ट्रिप है, उनको लोकेशंस का ध्यान रखना पड़ता है. प्लस दो नए एक्टर्स भी हैं मूवी में, बट दे पुल्ड ऑफ वेरी वेल. इरफान वॉज ऑब्वियसली गुड. एक पूरी मूवी में वही एक फन एलिमेंट है, बिकॉज बाकी टाइम मूवी सीरियस चल रही होती है, बट इरफान खान ही थोड़ा उसमें से पंचेज लाते हैं, फनी एलिमेंट्स होते हैं, जो आप हंसते हो, मजाक मजा आता है. पिक्चर में सबसे अच्छा तो मुझे इरफान खान ही अच्छे लगे, उनकी उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है, उनका अंदाज है, उस पर वही कैरेक्टर ही बड़ा फनी कैरेक्टर उन्होंने अदा किया. बाकी तो बहुत सीरियस चल रहा है, बोरिंग सा, बट ही इज़ द वन. डायरेक्शन की बात करें, म्यूजिक डायरेक्शन अच्छा है, म्यूजिक अच्छा है, वो म्यूजिक पे तो ध्यान नहीं जाता बिकॉज वो बैकग्राउंड में चल रहा है. आउट ऑफ 5, 3 stars. फिल्म ओवरऑल ठीक थी, बस इरफान खान था इसलिए देख लिया, नहीं तो फिर कुछ खास नहीं है मूवी. वीक पॉइंट क्या लगा? पूरी मूवी ही वीक लगी इरफान खान को छोड़. सबसे बेस्ट इरफान खान की एक्टिंग और कुछ नहीं है मूवी में. फ्लैट, बहुत फ्लैट है, कुछ खास नहीं है. मतलब हालात देख के समझ आइए, मैं सो गया था बीच में. 3, 2.5 और 3. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छी लगी, इट्स गुड. मेरे को लोकेशन अच्छी लगी और इरफान खान की एक्टिंग अच्छी लगी. स्टोरी लाइन की बात करें, कितनी पसंद आई स्टोरी? स्टोरी वाज गुड, सो आई विल गिव 3.5 टू द स्टोरी, बट आई विल गिव मोर टू द लोकेशन, टू द एक्टिंग ऑफ इरफान खान एंड इवन द एक्टिंग ऑफ मिथिला एंड सलमान. बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है मूवी का वो ये है कि लाइक यू नो बेसिकली आर पेरेंट्स समवेयर दे फोर्स अस टू डू समथिंग एंड देन वी डोंट लाइक देम यू नो एज दे आर लाइक सजेशंस एंड एवरीथिंग, बट द सेम टाइम वी रियलाइज दैट यू नो दे जस्ट स्टेड आउट ऑफ कंसर्न एंड इट्स नॉट लाइक दे आर पर्सनल यू नो दे आर जस्ट फोर्सिंग अस, इट्स जस्ट दैट आउट ऑफ कंसर्न दे से थिंग्स टू अस. So instead of becoming hard to them or like you know becoming really really harsh to them, we should like really appreciate and you know we should listen to them but not like you know disrespect them. I can watch it. I'll get 3.5. Yeah, film बहुत अच्छी थी. इरफान खान का acting rather बहुत अच्छा था and I think everyone should definitely watch it at least for one time. सबसे best part क्या लगा movie? The story, even story was nice, but I like. Acting was really nice. Direction was good, script was nice, and music was nice rather, and yeah. So, no.
3 and a half. Oh, I pretty much like the movie. And the movie concept is really nice. The songs are really nice. Locations are really nice. I like Dulquer Salman, so I went for the movie for him. Apart from that, yeah, obviously, Irfan Khan. Yeah, obviously, Ganja Peeke Tumhara Dimaag Sad Gaya Hai. Obviously, yeah, so he is quite amazing. His character is quite amazing. If you have seen the scene that Shairi wala scene, jahan pe wo Google kar raha tha, I like the scene as well. Yeah. I'll give 4.5. अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी. इरफान खान की बात करी जाए वो तो बेस्ट है हमेशा से, पहली मूवी से एक्चुअली जब से मैंने उनको देखा है. मस्त लगी, अच्छा है, कॉमेडी है, इमोशनल है, अच्छा एक्चुअली कनेक्ट हुए थे, अच्छा है. स्टोरी की बात करी जाए कितनी पसंद आई आपको स्टोरी? बहुत अच्छी लगी, बोला बहुत अच्छी लगी. 5 में से कितने स्टार? 5. और आप? 5.